पिता चांदनी, अकल वकल है कि नहीं है? ये क्या हाल बना रखा है रूम का? माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, पूरे दिन में सारा काम करती रहती हूँ, एक मिनट के लिए भी चैन नहीं मिलता इस घर में मुझे। किचन में ना पसीना पानी की तरह बहता है तेरी माँ का, पर कोई पूछने नहीं आता। ऊपर से ये सारे काम मुझे करने पड़ते। एक दिन ना तेरी माँ मर जाएगी, तब आना तो पूछने उससे। तरस तरस के मर जाएगी, किसी को कोई परवाह नहीं। बेटा क्या कर रहे हो आप? अच्छा सफाई कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मुझे लगा ना कि थोड़ी और गंदगी बढ़ा रहे हो, इसलिए मैंने पूछ लिया। बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा ये सारे काम, ठीक है? तुमसे ना तुम रहने दो, ला ला मुझे दो, मैं साफ कर देती हूँ। तुम जाके बेटा फोन चलाओ ना, फोन चलाना तेरा काम है ना, तू वही कर, तुझसे वही अच्छा होगा। ओके। 2 seconds later बस पूरे दिन फोन पे लगे रहे। मैं ये कोरोना ने ना मेरा मेहनत बढ़ा दिया है। पूरे दिन बस ये बनाओ ये खिलाओ, ये बनाओ ये खिलाओ, बस इसी के लिए तो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था कि मैं तुम लोग को बना बना के खिलाते रहूँ, तुम लोग का पेट पालूँ, तुम्हारे कच्ची पच्ची साफ करूँ, बस इसी के लिए तो मैं जिंदा हूँ। एक दिन ना माँ मरेगी, तब तुझे पता चलेगा बेटा कि माँ बनना कितना आसान है। और बेटा खाना कैसा बना है? जिंदगी भर बस माँ के हाथ का ही खाओगी या कभी कुछ बना के भी खिलाओगी? One eternity later. आज मैं पास्ता बनाऊंगी, मम्मी खुश हो जाएगी। हाँ पहले पास्ता, जिसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। अरे तुम किचन में क्या कर रही हो? अरे नहीं नहीं नहीं, खाना तेरे हाथ का पास्ता वास्ता मेरे को, तू किचन से बाहर निकल, अभी मैंने पूरा किचन साफ किया बेटा, प्लीज प्लीज। मम्मी खुश हो जाएगी। गलती हो गई, इस लड़की को पढ़ा लिखा दिया, मती भ्रष्ट हो गई थी मेरी। तो मैंने तुझे पढ़ाया, इतने पैसे खर्च किए, कम से कम तुझे नहीं पढ़ाती तो आज तू मेरी बात तो सुनते। हमने तो कोई पूछा आया, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, क्या फायदा हुआ हमें? इससे तो तेरी शादी कर दी होती। अजी लड़का देखो, इसके लिए कल ही हाथ पीले कटते हैं। ऐसे नलायक पैदा होते हमारे घर में। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मम्मी शाम में पार्टी है, मैं जाऊँ। क्या पार्टी शाम में 7 बजे घर आओगी? नहीं जाना। जाने दो ना मम्मी, बस 7 बजे तक की तो बातें हैं। मैंने कहा ना नहीं जाना है तो नहीं जाना है, अभी तुम इन सब चीजों के लिए छोटी हो। हाँ जाऊंगी ना, प्लीज जाने दो ना यार। मैंने बोला ना पापा नहीं मानेंगे। जाने दो ना मम्मी। जाओ पापा से परमिशन लेके जाओ। हाँ, मैं नहीं जानती, पापा बोल देंगे तो जो करना वो करना। हाँ पापा ने कहा, बोल दिया। क्या पापा ने परमिशन दे दी है? तो क्या हुआ, पापा ने परमिशन दे दी है तो क्या? मैं माँ हूँ, मैं मना कर रही हूँ। मैंने बोल दिया नहीं जाओगे तो नहीं जाओगी, बस। और बेटा ये पार्टी वार्टी क्या करना है? तुम्हारे एज में ना हम छत पे बैठ के मूंगफली खाते थे और अगल बगल ना पड़ोसियों को देखा करते थे, तुम भी वही करो। Why are we still here? Just to suffer every night. और बेटा खाना कैसे बनना है? क्या नमक सादा है? कुछ नमक वमक ज्यादा नहीं है, सब ठीक है। बड़ा है खाना वाना बना, इतना तो खुद खाना बना लिया है। पूरे दिन खाना बनाना रहता है और इनको पसंद भी नहीं आता। एक दिन ना खाना बनाते बनाते मैं मर जाऊंगी, फिर आना खाना में नमक ज्यादा है बोलने। 2 hours later अरे इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है, तूने बताया क्यों नहीं? सॉरी बेटा, मेरी ही गलती थी।
मुझसे ही गलती हो गई। उबड़ हो गई है ना, क्या कब खाना बनाने भी नहीं आता, अब तुम सबको अच्छा खाना भी नहीं खिला सकती हो। And his name is John C. बेटा टीवी से मन भर गया तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लो, जॉब है नहीं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, बस पूरे दिन टीवी 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 नहीं वॉक। और क्या देख रही हो तुम? वाह, खुद के वीडियोस देखते रहो और व्यूज बढ़ाते रहो, ये इसीलिए तो तुमको पैदा किया था। पूरे दिन में काम करते रहती हो, झाड़ू के बाद बर्तन, बर्तन के बाद कपड़ा, और पूरे दिन काम करते रहते हो, कैसे बस बैठ के पूरे दिन टीवी देखते रहो। माँ की तो किसी को फिक्र ही नहीं, एक दिन माँ मर जाएगी ना तो रोना, और ये टीवी देखना और अपने वीडियोस देखना, इतने अच्छे वीडियोस नहीं बनाती जो पूरे दिन अपने वीडियोस देखते रहती है। जय हो माँ। अरे बेटा जा रहे हो? जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा लाइक कमेंट भी कर देना, मेरी बेटी बहुत मेहनत करती है, तुम लोग व्यूज नहीं देते, अच्छा देखते हो सब, सब्सक्राइब भी नहीं करते।